एक तो वाइब्रेशनल एस्पेक्ट है मंत्र का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एस्पेक्ट है मंत्र का एंड दैट इज हर रोज डू यू नो हाउ मेनी डिसीजंस डू यू मेक एक दिन में कितने डिसीजंस लेते हैं हम लोग रफ गैस मोस्टली अराउंड अबाउट अ थाउजेंड डिसीजन्स अबाउट अ थाउजेंड डिसीजन एवरी डे मीनिंग अभी मुझे <coughs> हुआ मैंने देखा पानी है अच्छा है अभी पी हूँ एक मिनट के बाद पी अच्छा अभी पीता हूँ थोड़ी देर में राइट ये डिसीजन दिस इज अ डिसीजन राइट इट्स एज माइंड वट अ डिसीजन वट अ डिसीजन अभी जो मैंने डिसीजन लिया अच्छा पानी अभी पी या अच्छा एक मिनट के बाद पीता हूँ मेरे माइंड में क्या हुआ इस समय ओके लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट माइंड माइंड में देर आर लॉट ऑफ न्यूरोन पाथवेज़ Uh, neuron pathways are what makes us thinking being. Trillions of neurons mind me. I do not know if the brain sciences have found out or no, but yogic sciences did find that out. I need to do some more research to find out. That neuroscientist Mata yet I'm not really updated on that latest work. But what really happens, every decision that we make. कुछ न्यूरॉन पाथवे स्नैप हो जाते हैं बिकॉज एवरी डिसीजन इज अ प्रेशर ऑन योर माइंड टाइनी भी होगा ना एंड आई इमेजिन यू हैव ट्रिलियंस ऑफ न्यूरोन्स वर्किंग विच मीन्स देर देर अल्ट्रा सेंसिटिव बींग्स वर्किंग इन योर माइंड एनी प्रेशर इट स्नैप्स छोटा सा भी उस पर छोटू भी प्रेशर पड़ेगा वो स्नैप हो जाएगा लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली जीवन में जब कुछ एक कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कुछ बड़ी मुसीबत पड़ी और आपको डिसीजन लेना है लेट से कभी हम रोड पे गिर जाते हैं कुछ एक्सीडेंट हो गया और इमीजिएट डिसीजन लेना है क्या करें आपने देखा योर माइंड शट्स डाउन दैट इज़ द टाइम यू नीड मोस्ट डिसीजन मेकिंग पावर बट इन दैट मोमेंट माइंड शट्स डाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथ पर पड़ जाना हैव यू हर्ड टर्म हाथ पर पड़ जाना हाथ पर पड़ गए मतलब मैं क्या करूँ इस मोमेंट में मुझे समझ नहीं आ रहा हेलो वाट्स गोइंग ऑन इस समय तो माइंड की सारी कैपेबिलिटी चाहिए टू टेक एन इन्फॉर्म्ड वेल थॉट डिसीजन बट माइंड रिफ्यूज आई कान टेक अ डिसीजन इसीलिए हमने देखा जब परिवार में कोई प्रियजन मरता है तो बहुत सारे रिश्तेदार आके डिसीजन लेते हैं तुम्हारे बिहार फिर तुम डिसीजन नहीं ले पाते हैव यू विटनेस दैट वाई बिकॉज यू माइंड लूज इज द कपेसिटी टू थिंक लॉजिकली एंड टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन राइट right. हाउएवर इस सिचुएशन में तो सबसे ज़्यादा माइंड की कैपेसिटी चाहिए थी तो क्या हुआ उस इवेंट ने इतना भयंकर प्रेशर डाला न्यूरॉन्स के ऊपर कि वो पाथवेज बहुत सारे स्नैप हो गए जैसे ही पाथवे स्नैप हुए माइंड स्टॉप डूइंग इट्स रेगुलर प्रोसेसिंग तभी लोग आके संभालते हैं और बैठते हैं बोलते तुम बैठ जाओ अस डू दिस वर्क राइट हावी टुगेदर सो फार मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा ओके नाओ सिमिलर थिंग हैपन्स इवन इन द स्मॉल डिसीजन्स पानी अभी पीऊँ या थोड़ी देर बाद पीऊँ प्रेशर पड़ा न्यूरोन्स पे वो स्नैप हो गया एक पाथवे तो एक दिन में हजारों पाथवे स्नैप हो रहे हैं एंड देन इट टेक्स टाइम टू री बिल्ड दैट करैक्ट भाई एक टिश्यूज कार हुआ इट टेक्स अ टाइम टू बिल्ड दैट वी टॉकिंग अबाट बायोलॉजी तो माइंड के टिश्यूज कार हुए तो इट टेक्स अ टाइम टू री बिल्ड दैट कराइट ओके रिशीज फाउंड दैट आउट रिशीज को यह समझ में आ गई बात कैसे समझ में आई लेट्स नॉट गो इन टू दैट दिस इट कुछ ह्यूमन बींग के पास डिवाइस होना चाहिए जिस डिवाइस को यूज करके आई कैन क्विकली रीगेन दिस ब्रोकन पाथवेज बिकॉज आई कॉन्ट वेट आई मॉन्ट फायर लेट्स हैव सम प्रोसेस प्रोसेस वॉज रिवॉल्व